ਸਾਹ ਉਜੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਸਾਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿੱਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਰ ਜਨ ਜਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਦੋ ਟੁਰ ਜਨ ਜਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾ ਇੱਕ ਟੁਰ ਜਾਏ ਜਨਦੀ ਹੈ ਸੋਨਿਆ ਜਿੱਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਆਪਿਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਅਥਰੇ ग्रामी कदर हजरात जिस तरह के आदम कादरी साहब फरमा रहे सन के अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ दा रबीउल नूर शरीफ दा चल चढ़ गया और अहले सुन्नत व जमात नु चा चढ़ गए हर गली हर बाजार हर बनेरे नु सजा दिता गया अहले सुन्नत व जमात ने रबीउल अव्वल शरीफ दी आमद तैयबा तो पहले ही रबीउल अव्वल शरीफ दी तैयारी शुरू कर दी 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम अलैहिस्सलाम सफ़े हस्ती ते तशरीफ लेके आए हर नबी दा मिलाद मेरे नबी ने सुनाया वारी आई आखिरी नबी दी तो खालिक ने फरमाया व खातम नबीजीन फरमाया महबूब असा तुहानू सारे नबियां दा खातम और खातिम बना के भेजिए ख्याल आया कि या अल्लाह मैं सारे नबियां दे जिक्र ते मिलाद सुना चलिया ते मेरे बाद नबी कोई नहीं मेरे मिलाद ते मेरे जिक्र कौन करेगा अल्लाह ने फरमा सोनिया तो सारे नबियां दे जिक्र ते मिलाद सुना जा की होया जे तेरे बाद नबी कोई नहीं मैं तेन नौकरी इंज दे देवांगा अज गली गली तेरे मिलाद ना हो जावां ते मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमा दियो कि जब अल्लाह दा फजल ते रहमत हो जाए जश्न मनाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इस सारा माल ते दौलत जेड़ा तुसी मिलाद उते और इस जश्न उते जमा करोगे और खर्च करोगे अल्लाह फरमांदा हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन ये तो हाडे सारे जमा कीते माल नालों बेहतर है आयत मुबारक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो चीजों बयान फरमाए एक फजल और एक रहमत फरमाया जब फजल ते रहमत हो जाए फल यफरहू जश्न मनाओ हालांकि अल्लाह ने कुरान मजीद जो खुद फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन अल्लाह फरमांदा कि मैनू जश्न मनाने वाले पसंद नहीं अर्ज की थी या अल्लाह तेनू तो जश्न मनाने वाले पसंद नहीं थे इस मुकाम ते सीगे अमर नाल हुक्मन फरमा रहे कि फल यफरहू जश्न मनाओ फरमाया उंज ते जश्न मनावन वाले पसंद नहीं पर जदों मैं फजल ते रहमत करा फिर जश्न मना लिया जे हुन ए ते पता चल गया कि फजल ते रहमत होवे ते जश्न मनाना है आओ जरा शाहपुर वाले अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करिए या अल्लाह जरा ए भी फरमा दियो फजल ते रहमत केड़ा है जिदा जश्न मनाना है पर अहले इल्म हजरत शरीफ फरमाने अरबी दा कायदा थी और आज भी मौजूद है कि अगर दो चीजा होवन ते दे वास्ते सीगा तसनी आना फजल ते रहमत चीजा दो मगर जालिक विच सीगा वाहिद अर्ज कीती या अल्लाह चीजा दो ते सीगा वाहिद फरमाया आज ते दसना चाहना फजल भी ओही है ते रहमत भी ओही है एक ही जात है जड़ी फजल भी है ते रहमत भी है जिदे वास्ते जश्न मनाना है आओ अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करिए या अल्लाह फजल केड़ा ते रहमत केड़ी जिदा जश्न मनाना है पढ़िए कुरान भाई रात दे ढाई बजे बंदा सुबहान अल्लाह कहन जोगा रहिंदा ही नहीं मैं आया भी शाहपुर बहुत अरसे दे बाद अज आजम कादरी साहब रात भी मेरे नाल रابطے चले पर सुबह असि इकट्ठे सा कल भी आराम ना कर सके मैं और मेरी सारी टीम रात भी ना सो सके सुबह भी 8 बजे तकरीबन सियालकोट पहुंचे 9 बजे फिर सफर शुरू कर लिया तो मैं पहले लाला मूसा गया उतो तकरीर की थी फिर मैं फाली जोहर तो बात की थी फिर उतो टुरिया टुरिया तो हम सरगोदे की थी सरगोदे तो हम तुहाडे कोल आया हूं तुहाडे कोलों फिर वापस सियालकोट जाके जुमा पढ़ाना है सुबह फिर सफर शुरू हो जाना है तो थकावट भी है नींद भी बेशुमार सारा जगराता भी मगर मैं आख्या मैं शाहपुर चले हाँ शाहपुर तो उन्हें इन्नी सुबह अल्लाह जोड़ के रखी होनी है कि मेरा सुबह तक गुजारा हो जाना है भाई इन्हें नाल तो गुजारा नहीं होना
जिस तरह आजम साहब कह रहे सर ना कि गोडे छड़ दियो गोडे वाकई छड़ दियो ते अपना ते नाल दे दा हाथ चुके इन्नी उच्ची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे जिन्हें जिन्हें हाथ नहीं ना चुके नाल दा बेली फड़ के चुके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह स्टेज वाले तुसी भी भाई बुजुर्ग थे उलमात के अलावा जिन्ने बैठे सारे ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह मैं दुआ करना सारे अहले स्टेज और अहले मेंबर कह सुभान आमीन ते मेरी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा उची जो सुभान अल्लाह के इस साल अपनी अम्मी ते अबू नाल हज कर गया होवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ सारा टब्बर मदीने गुजार के आवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब च कमली वाला ही आ जावे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग ते महफिल च सोने दा दीदार करा दे फरमाया कमली वाले आओ असा तेनों नबी भी बनाया शहीद भी बनाया असा तेनों मुबशर ते नज़ीर भी बना के भेजे आओ असा तेनों दाई लल्ला भी बनाया सिराज मुनीरा भी बनाया फरमाया बबशरिल मुमिनीन ईमान वाले मुबारक होवे अर्ज कीतिया लकड़ी का दियो मुबारक पे देना है फरमाया भी अल्लाह ला इला इल्लल्लाह फदलन कबीरा परवरदिगार ने फरमाया मुबारक होवे तो हाडे कोल मेरा यार मेरा बड़ा फजल बन के आ गया आज अल्लाह ने अपनी रहमत का इशारा अपने यार पर फरमाया फरमाया तालिका फदलुल्लाह अल्लाह ने फरमाया आ कमली वाला मेरा फजल है अर्ज की दिया दा अति तेनु फजल समझ दे रहे फरमाया मैं ते फजल वाला फजल ते मोहम्मद दी दावा दे अल्लाह ने अपने यार ने फजल दा जिक्र फरमाया फरमाया फलौला फजलुल्लाह अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला तेरी रहमत भी कमली वाला फरमा फद गुरु ने अल्लाह अलैकुम इरकुम आवादा फअल्लफ बैन कुलूबिकुम अल्लाह ने फरमाया मेरा फजल भी कमली वाला मेरी रहमत भी कमली वाला मेरी नेमत भी कमली वाला अर्ज की थी अल्लाह कोई औलाद नु फजल समझदा है कोई माल नु फजल समझदा है कोई कोठी ते कार नु फजल समझदा है कोई शोहरत नु फजल समझदा है कोई हुस्न नु फजल समझदा है अर्ज की थी अल्लाह अपने यार नु केड़ा फजल दे के भेजे आई अल्लाह ने फरमाया कमली वाले किसे नो मैं इद फजल अता कीता किसे नो मैं दो फजल अता कीते किसे नो मैं तीन फजल अता कीते फरमाया कमली वालिया तीन मैं ते के फजल नहीं भेजिया तीन बना के इज द फजल भेजिया जिदरों जिदरों लगदा लगदा फजल करदा ही जई जमे जमे फरमाया सोने तेन दे के फजल नहीं तेन बना के फजल भेजे ते फजल भी केड़ा फरमाया फजलन कबीरा सारे तो वड्डा फजल थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज ना ते हाथ ना चुके मत के तेरे को शहीद ना हो जाए
मैनू नहीं पता लग रहा है कि नहीं है जी, फिर भी नहीं बोलते, थोड़ा लगर करो भिखा कह करो, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाएगा। जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पले ही कमली वाले दे लगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह, क्योंकि जिदा खाइए ओदा गाइए, जेड़ा सरकार दे लंगर ते पलदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। शाहपुर वाले जिला सरगोदा वाले पता चल गया कि फजल ते रहमत होवे ते जश्न मनाना है, ते अल्लाह ने कुरान च आप ही फरमा दिता फजल भी कमली वाला है ते रहमत भी कमली वाला है। मिलाद ना मनाइए जिन्हें सारे गले सड़े चोरी पा ले गंदे मंदे मैनू दे मकरम दी निगाह करके इंज दे बना देवांगा नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां ही करिया मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हूँ। शाहपुर वाले असी सारे कठे होके ना इतो उठ के हुण इलाके दे थानेदार कोल जाइए ते आखिए कि रात तुसां इक कातिल पकड़े आए ते असी बड़े मुअज्जद लोग आए साडे आखे छोड़ दिओ छोड़ेगा असी आखिए इन्ने बंदे कठे होके आए साडे आखे एक चोर छड़ दिओ छोड़ेगा नहीं ना पता चले असी सारे कठे होके थानेदार तों इक बंदा नहीं छुड़ा सकदे ओदा मिलाद ना मनाइए जिन्हें रब तो सारे छुड़ा लेने ने जिन्हें सारे छुड़ा लेने ने नाल शफात सरवरे आलम छोट सी आलम सारा हो भाई छोट सी आलम सारा ही हो। एक दिन ना मदीने दी औरतां नबी करीम कोल होके ना कठियां होके आ गईयां ते अर्ज कर दियां या रसूल अल्लाह ए दीन सारा मर्दां वास्ते ही आया है। हजूर ने फरमा क्यों अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह तुहाडे पिछे नमाज पढ़न ते मर्द जुमे दा खुतबा सुनन ते मर्द जिहाद करन ते मर्द हर वेले दीद करन ते मर्द ते असी औरतां घर दे काम काज करन वास्ते दुनिया ते आईयां साडा दीन किथे गया सानू कौन सिखाएगा
नबी पाक नो औरतां दा मुतालबा पसंद आया, फरमाया तुसी इंज कदया करो हफ्ते च एक दिन आशा दे हुजरे च आया जाया करो, तुहानू दीन मैं सिखाया करांगा। अच्छा कैसा मंजर होवेगा, गली होवे मदीने दी, हुजरा होवे आयशा सिद्दीका दा, महफले मिलाद होवे मदीने दी औरतां दी, ते खसूसी खिताब होवे कमली वाले दा। खसूसी खिताब इमाम अलंबिया ते खतीब अलंबिया दा। याद रखियो मेरे नबी ने फरमाया वा इन्ना मिनल बयान लसिहरा। हजूर ने फरमाया कुछ तकरीरां जादू वाली होंगी उन्हें जादू होंगे। हर नबी खतीब सी ते जिथे तकरीर ही कमली वाला करे तुसी बोले नहीं। एक दिन हजरत ईसा अलैहि सलाम तकरीर पे कर दे ते औरतां दा भी पर्दे च इंतजाम हो गया। एक माई वडेरी ना बीबियां च बड़े नाथ ना बोल के कहंदी है वाह मरियम तेरे तू सदके जावां एडे सोहणे पुत्र नूं जन्म दित्ता जिहड़ा एडी सोहणी तकरीर करदा है। हजरत ईसा दे कान च माई दी आवाज पई ते माई नूं पुकार के फरमांदे ने अम्मा मेरी तकरीर सुन के मेरी मां तू सदके ते वारी जानी है, तू कदे मुहम्मद अरबी दी तकरीर सुन लवे आमिना तू सारी कायनात ही बार के रख दे। जिथे तकरीर मेरा नबी करे उचा बोलो सुभान अल्लाह। ये आम बंदे दा ते इंसान दा बच्चा शफात कर सकदा है ते सैयद आमिन दा पुत्र नहीं कर सकदा। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया जिहड़ा कच्चा बच्चा मां दे शिकम च फौत हो जाए हजूर ने फरमाया ओ कयामत नु अपने नाड़ू नाल बन के अपने मापिया नु खिच के जन्नत च लेके जावे। औरतां ते राजी राजी टुर गईयां टुर गईयां टुर गईयां टुर गईयां। नौजवानो थोड़ी देर दे बाद नबी करीम अलैहि सलाम हुजरे दे अंदर आए अंदर आए अंदर आए अंदर आए अंदर आए सैयद आया अमाया शाह हुजरे ते बह के पियां रोंदियां रहियां ने इधर अमाया शाह दी औलाद कोई नहीं। नबी करीम ने फरमाया शरो नहीं क्यों है अर्ज कर दिया ने कमली वालिया जिदे तिन टुर जन जनदी है जिदे दो टुर जन जनदी है जिदा एक टुर जाए जनदी है नाल शफात सरवर आलम छोटे सी आलम सारा हो भाई छोटे सी आलम सारा हो। पता चल गया कि असि एमए मैं और आसान कर देवा आदम कादरी साहब ए बेलिया हुन पूछना मिलाद के मनाना किथे लिखे ए लाइटिंग कराना ए स्टेज सजाना ए गलियां सजाना ए झंडिया लगाना ए लंगर पकाना ए शादियां ए इतना शादियां ने ए क्यों है क्यों है माफल तो जेड़ा बंदा आखिर ते आवे नु बैठन दी जगह किथे मिलदी है बोलो अजे भी पूछना मिलाद मनाना कि उस नबी दा तेरे ते मेरे ते फजल नहीं आए असि सब तो आखिर ते वहां ते जन्नत च असा सारे तो पहले जाना है। मेरे मिल्लत दे नौजवानों पता चल गया कि अल्लाह ने अपने माही नु फजल गिंज दा बना के भेजिया। अज मेरा दिल करदा मैं तुहानू उस नबी दा फजल ना सुनावा जिन्हों जिन्हों लगदा मेरे ते हजूर दा फजल है ओ बोले सुभान अल्लाह। असि उस फजल दा शुक्रिया अदा करन आया हिजरत दी रात ते मक्कियों टुर पे दो राही एक सिद्दीक ते दूसरा रब दा वाही। नौजवानो जदों मक्कतुल मुकरमा तो निकले ना ते ओ गारे शौर चो निकल के मदीना ते जबाब अल जा रहे अचानक रस्ते च नबी करीम नु भूख महसूस हुई ते हुजूर ने फरमाया अबू बकर यार कुछ खावन ले आए। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह खजूरां भी मुक गईयां सत्तू भी खत्म हो गए ते पानी भी खत्म हो गया उंज ओ सामने कखां दी कुल्ली है इजाजत होवे ते कुछ खावन ले लैके आवां। फरमाया चल दोवें यार इकट्ठे चल रहे हां
जाके दरवाजा खटकाया ते माई वडेरी बाहर आई। हजरत सिद्दीक अकबर फरमा लगे माई जी असि मदीने दे मुसाफिर हां, कुछ खावन नु मिल जाए। माई ने जद हुजूर दे रुखे अनवर नु वेख्या ना ते माई रो के आसमान वल वेख्या ते वेख के कहन लगी कदे एडा गरीब ना ना बना दो ते एडे सोहने परोने कदे खाली ना जाना। हजरत सिद्दीक अकबर नु माई कह लगी मैं बड़ी गरीब हां ते मेरे घर खावन लई कुछ नहीं, माफी करे आ जे। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने माई जी रोबो ना असि टुर जाने आ। नबी करीम ने फरमाया अबू बकर यार जाना क्यों है? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, माई कहंदी मेरे घर खावन लई कुछ नहीं। नबी करीम ने फरमाया माई कहंदी मेरे घर खावन लई कुछ नहीं, पर आओ आओ मेनू वेड़े च एक बकरी नजर आ रही है। माई नबी करीम वाल वेख के ते डायरेक्ट बोल के कह लगी जी ए बकरी दूध कोई नहीं देंदी, बड़ी वडेरी हो गई है, मेरा खामद बकरियां चारन जा रहे है ते ए उठ नहीं सकदी नहीं ते इज्जड़ दे नाल जांदी, ना उठदी ना कुछ खांदी ना पींदी ते ना दूध देंदी है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया माई जी बकरी ते दूध नहीं देंदी, पर जे तुसी इजाजत देओ ते असी दूध चो लईए। इना फरमाया ना ते माई कखां दी कुली दे दरवाजे चो हट गई ते नाले हटे ते नाले आखे आख्या भी ये दूध नहीं देंदी, फिर कहंदे ने चो लईए, चोई जांदी जे ते चो लो। इना कह के माई कुली दे दरवाजे चो हटी ते नबी पाक खड़े हो गए। और केड़ा रंग देवां नौजवानों, बकरी अपने गोडियां ते सिर रख के बैठी ते खबरे कदू दी बैठी, पर जदो बकरी ने सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना ते बकरी गोडियां तो सिर चुके कहंदी किधरे ओ ते नहीं आ गए। बकरी फरमाया हाँ तू दूसरा इशारा किया ते बकरी कहंदी वे कमली वाले मैं ते तुसी सुभान अल्लाह घर जा सुभान अल्लाह आख्या हाँ तू 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 तीसरा इशारा किया बकरी कहन लगी वे कमली वाले फरमाया फरमाया तू रो के कहन लगी जदू जवान सां दूध देंदी रही सारे पुछदे रहे ने मेरा दिल मुबारक नो गुस्सा दिता इस तरह करके ना मेरे नबी ने बकरी दिखी थे अपने युद्धुल्ला वाले हाथ फेरे उदे हाथ रब अपने हाथे आखे होवे काफिर जेड़ा वाखे आखे। मेरे नबी ने बकरी दी खेरी ते हाथ फेरे ते हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते ने मैं वेख्या इतना दूध भर गया कि बकरी दी पिछलियां लत्तां आप ही खुल गईयां। पर आ जिहड़े जिम्मेदार लोग ने समझदे ने जदों बकरी दी या जानवर दे थना च दूध ज्यादा होवे ते इक कैफियत उदों हुंदी है। हजरत सिद्दीक अकबर कैफियत वेख के ना बकरी दी ते माई नूं कहण लगे माई जी आ जरा बर्तन ले आया जे माई नाले कखां दी कुल्ली वल जावे ते नाले अपने लबां च पई आखे आखिया भी दूध नहीं देंदी
फिर बर्तन पे मांगते ने दे भी लिया ते किन्ना को देवेगी माई एक प्लेट लेके आई थाली कटा ओ जिधरों लगदा जांदा फजल करदा ही जांदा नबी करीम ने आप दूध पीता माई नु पिलाया अबू बकर सिद्दीक नु पिलाया बर्तन भरे ते नबी करीम मदीने वल टुर पे ते माई ना शाम तक दरवाजे च खलो के तेरे मेरे नबी दी टोरी देख ले कद सरूजे देख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे चाल के जिधरों टुरदा जावे चाननी करदा सरकार ते चले गए पर माई दरवाजे ची खड़ी रह गई शाम नो खामद बकरियां चार के आया इस माई दा नाम कुतबे सीरत हजरत उम्मे माबद लिखिया शाम नो इदा शौहर अबू माबद जदों शाम नो बकरियां चार के आए ते अपनी बीवी नो इस तरह करके नूर वेख के ना ते पुछदे ने कोई कोई आया सी ते माई जड़ी सुबह दी बड़ी हैरान कह लगी हां गैबुल गैब दे देशों आया एक कालियां ज़ुल्फां वाला दो घड़ियां मेरे मन विच रह के कर गया नूर उजाला ते खामद अपनी बीवी दे करीब बैठ के कहन लगा किवें दा सी माई कह लगी आप ही देख लो सुबह दा टुर गया जे तक चानन नहीं मुकदा किवें दा होवेगा ते खामद कह लगा कुछ ते दस ना किवें दा सी लो माई ने जेड़ा जुमला बोलिया अज दी सारी माफा दा निचोड़े कहन लगा किवें दा सी ते कारी साहब माई अगो बोल के कहन लगी ओदे वर्गा कोई होवे ते दसा किवें दा सी ਉਤੇ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲਮ ਅਰਾ ਕਬਲਹੁ ਵਲਾ ਬਾਦਹੁ ਮਿਸਲਹੁ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖੇਗਾ ਖਾਮਦ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਸੀ ਉਸ ਅਰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਰਾ ਨਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੇ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੈਸਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਮਾਈ ਬਟੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਸੌਣ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਓ ਦੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਰੈਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਢਦੀ ਜਿਉਂ ਕਟਾਰੀ ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਬੰਦਿਓ ਪਾਈ ਮੀਨਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰੀ
ਮਾਈ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਬੀ ਨਗੀਨੇ ਖਾਵਦ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹੁਣ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਮਗੂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾ ਹਾਏ ਨਾ ਪੁੱਛੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਈ ਡਰ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਈ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਝੜਕਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਮਾਈ ਨੇ ਡਰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਬਦ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਈ ਸੌਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਡੀ ਟੁੱਡੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ ਗਈ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਸੌਦਾ ਪਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੌਣ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਮਾ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਈ ਦੌੜ ਕੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਕਦੀਕੀ ਆਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਚ ਚੰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਮਾਈ ਤੇਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਮਾਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮੇ ਹੋਈ ਕਰਮਾ ਪੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਬਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਜੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆੜੇ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਰਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੱਥਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਯਦਾ ਅਮੀਨਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬੂ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੋਵੇ